Kom, kom, kom. Vi kan inte. स्वागत है उस हिंदुस्तान में जिसकी आजादी के लिए भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी। आपका स्वागत है उस हिंदुस्तान में जिसकी आजादी के लिए नेहरू और गांधी ने संघर्ष किया। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आपका स्वागत है हिंदुस्तान में जिसका संविधान यहाँ के हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। मगर आज के मौजूदा हिंदुस्तान की सूरत हाल क्या है आप खुद ही देखिए। नीता शर्मा वाईफाई बिल्कुल ठीक है। बाहुबली कहाँ है? वो तो मर गया कब यार, मर गया। ठीक है सर, चलो। कटप्पा ने मारा था उन्हें। राहिल खान कहाँ कहाँ से चली गई? अभी तो ठीक नहीं है इसका। जोर से बोलो। समझो किनारे ले आके। भाई आ साइड में। अरे राजा बड़ी दूर से आए हो। आए दूर से ऐसा नहीं किया। कॉल पकड़ना है कोई? पूनम फॉरन काम करो। ठीक है चाय कंधे में चल जाते। अब्दुल रहमान कहाँ कहाँ से चले आते हैं? तुमसे कल क्या कहा सामने? सर कहाँ से आ गए? सर नहीं, लोगों को लाइन में लगवा दिया। विजय से कहो कल से कोई बंदा इनका नहीं आएगा। कल से गेट पे हमारे बंदे इन्हीं को होंगे, हमारे बंदों क्या होगा? ठीक है सर, बंद करो। लेट का टाइम पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह मूड खराब करने। देख रहे हो जानते हैं हिंदुस्तान कितना हिंदू का है, उतना सिख का, उतना मुसलमान और उतना ईसाई का। बगर साहब देखा आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फोटो भी सही, सिग्नेचर भी सही, मगर ट्राई नहीं करेंगे लोग। बताया क्यों? ना चीज़ का है क्योंकि नाम मुसलमान है। समझने की कोशिश करते हैं। लाइन में लगे हैं बस के लिए। आपका पीछे आ जाओ भाई, बड़ी भीड़ है यार। आयर भाई पीछे करो। आप कर लेंगे क्या हाल चाल सब बढ़िया? हाँ भाई, हाँ भाई, यार विंडो सीट दिला आपने। अरे भाई तेरे भाई की बात है, क्या मर्जी तुम्हें? बैठू जिंदा बैठ लेंगे, इसमें क्या है? हाँ भाई चल उठ जा। अबे उठ जा। साले नाम नहीं सुना क्या मेरा? नाम बता भाई अपना तू। अबे क्या नाम है तेरा? नाम जान के क्या करोगे? अबे खाली पीली की दिमाग की माँ बहन एक बात कर, बता क्या नाम? नाम सुरेश है। क्या भाई बदतमीज हो गया? देश की तिचा माँ आइला कुदरा क्या उठे? दिनेश का वाकया भाई है। क्या भीड़ को अधिकार है तो कोई भी मुद्दा बनाकर इस तरह बेकसूरों की जान ले ले। मैं हूँ भाई। आप सोच रहे होंगे सीट का झगड़ा है? नहीं साहब, ये हमारे समाज में फैल रही नफरत की वो मानसिकता है जो हमारे देश की सत्ता है।
अखंडता के लिए खतरा है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, और आगे भी देखिए क्या होता है। गाय की खाल उतार रहे हैं वो लोग, वहाँ का वाक्य है वो, या किस्सा है दलितों का वाक्य है, दलित को यही वो दलित है जो अपनी नीतों को कुर्बान करके इस देश को साफ करते हैं, जो अपने झाड़ू से भारत को स्वच्छ बनाते हैं, लेकिन जात पात की बुनियाद पर इनको मारा जाता है। कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, क्यों नहीं कुछ बोलता, मामला कब तक चलेगा साहब, आगे भी देखिए। हमारी देश का संविधान हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी देता है। आज हम खरोशी की जानना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर हो चलो पाकिस्तान पकड़ी से चलो ये सर खतरनाक चटप पा रहे रेल में वो ये है न्यूज वाले आज सब कहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर देश का माहौल खराब कर रहे थे, इस कंट्री के अंदर अभी गिरफ्तार में है रिपोर्ट दिखाने से हम आपको तुरंत रूप बनता है पकड़ने हमने देख रही सर आपको मालूम कैसे हो गई देशद्रोही है देखो बेटा बहुत ही आसान है
ये जो मीडिया वाले होते हैं ना, ये हम लोगों ये मीडिया वाले कौन देशद्रोही है? ये तो हमारे नेता लोग हैं, ये फेसबुक और ट्विटर पर लिखते रहते हैं और हम लोगों को पता लगता रहता है कि कौन देशद्रोही है। सर इसका उल्टा कैसा होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल था। ये पकड़ा इनकी दाढ़ी होती है और दिखने में बिल्कुल पढ़ने लिखने वाला जैसा लगता है और मारपीट और गुंडागर्दी भी नहीं करता और सबसे बड़ी बात लड़कियों को भी नहीं छेड़ता। मतलब ये है कि वो गंभीर ये मीडिया मीडिया तेज है। बताइए सर, थोड़ा अच्छे से बताइए इसको। भाई तू हो जा, ये देखो ये लग रहा है ना देशद्रोही। ये इसकी गाड़ी देखो, अरे गाड़ी चलो इसकी आंखों में देखो, ऐसा लगता है कि ये कुछ सोचता है। ये कल हमसे सवाल करेगा और आज के दौर में हर सवाल करने वाला देशद्रोही होता है। प्रेस का भी नाम डाल देशद्रोही के लिए। देखा आप लोगों ने हम अपने उस लाइफ को एंजॉय करते हुए सवाल करते हैं, देशद्रोही का किया जाता है। हम इस नाटक के जरिए यही दिखाना चाहते हैं साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस नारे पर आजाद हुआ हिंदुस्तान। आज इस हिंदुस्तान में सरकारी विभागों में धर्म के नाम पर भेदभाव होता है। हम इस नाटक के जरिए यही बताना चाहते हैं धर्म के नाम पर उस भेदभाव को खत्म किया जाए। और हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम इस नाटक के जरिए ये भी दिखाना चाहते हैं इस देश में कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, सब कुछ है, बावजूद इसके कोई भी मुद्दा बनाकर भीड़ किसी की भी जान ले लेती है, कोई आवाज नहीं उठाता। हम इस नाटक के जरिए ये भी दिखाना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर नफरत की तरह मानसिकता देश में फैल रही है, उसको खत्म किया जाए। अरे हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम इस नाटक के जरिए ये भी दिखाना चाहते हैं हम रोजाना किसी की बहन किसी की बेटी के बारे में खबरें सुनते हैं मगर हंसते हैं, खामोश होते हैं, कुछ नहीं बोलते। हम इस नाटक के जरिए ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति जो डर की भावना पनप रही है उसको खत्म किया जाए। अरे हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम इस नाटक के जरिए ये भी दिखाना चाहते हैं अपनी नींदों को कुर्बान करके इस भारत को स्वच्छ बनाते हैं, इस भारत को साफ करते हैं। जात पात की बुनियाद पर उनको मार दिया जाता है, खत्म किया जाए। अरे हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम इस नाटक के जरिए क्या बताना चाहते हैं साहब? संविधानिक सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, सवाल करना हमारा संविधानिक हक है। सवाल करने वाला देशद्रोही नहीं, देशभक्त होता है। हम इस नाटक के जरिए यही बताना चाहते हैं कि देशद्रोह और आतंकवाद को आतंकवाद समझा जाए, किसी मजहब से ना जोड़ा जाए। आओ आओ हम सब मिलकर वही हिंदुस्तान बनाते हैं जिसका सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था। आओ हम सब मिलकर वही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि जिसकी आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने कुर्बानी। हम अपने देश के लिए सब मिलकर एक गाना गाते हैं ताकि दुनिया को पता चले हिंदुस्तान न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका।
मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते मिसाल है हो गया।